सब लोग लगे हुए हैं दोनों जगहों पर, प्रशासन के लोग अपना काम कर रहे हैं सब तरह से। आज जहाँ भी नुकसान पहुंचाया गया है उसके लिए भी कुछ किया जाए। माइक थोड़ा पीछे करो निकल। देखा जा रहा है और लोगों के हित में जो करना है उसको भी किया जाएगा। लोगों की राय अपनी अपनी होती है। आज भी अब अभी देखे न्यूज में देखे तो कौन क्या बोलते हैं। रमजान का पाक महीना चल रहा है और पाक महीने में अलग अलग जगह जो है इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग पार्टी जो है अलग अलग जगह पर आयोजन कर रही है। इसी क्रम में जो है कल एक अन्य मार्ग में भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था सीएम आवास पर। उसके बाद जो है आज जदयू पार्टी के द्वारा हज भवन में भी दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जहाँ तमाम जो नेता थे वो मौजूद थे। सीएम नीतीश कुमार पहुँचे हुए थे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, वहीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के जो सभापति थे वो भी मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी पहुंचे हुए थे। और उसके बाद जब सीएम नीतीश कुमार निकले तो नालंदा और बिहार शरीफ मामले को लेकर के जब उनसे बातचीत की गई तो क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुने। सब लोग लगे हुए हैं। सर सामाजिक सौहार्द को अभी भी कुछ लोग पलीता लगाना चाहते हैं बिहार में, देखते हैं सामाजिक सौहार्द को अभी भी कुछ लोग पलीता लगाना चाहते हैं आपको, देखते हैं कैसे देखते हैं इन लोगों को जो माहौल बिगाड़ते हैं बिहार में। सर देखिए माहौल बिगाड़ा जा रहा है। सर जेपीसी की गठन नहीं होना चाहिए, कहा है शरद पवार ने। तो वही का बताएंगे, देखिए आप कह रहे हम भी सर कहा है निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। राय अपनी अपनी होती है। आज भी हम अभी देखिए सर कहा है निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। आज यहाँ इसके लिए बताई है, कल तो आप लोग थे ही। सब लोग लगे हुए हैं दोनों जगहों पर, प्रशासन के लोग अपना काम कर रहे हैं सब तरह से। आज जहाँ भी नुकसान पहुँचाया गया है उसके लिए भी कुछ किया जाए। माइक थोड़ा पीछे करो अनिकेत, अनिकेत माइक पीछे करो थोड़ा सा। देखा जा रहा है और लोगों के हित में जो करना है उसको भी किया जाएगा। ये सब बंद हो गई। शरद पवार ने बोला जेपीसी की जरूरत नहीं है, अडानी मामले पे अभी तो वही ना बताएंगे, जैसे आप कह रहे हम भी देख रहे हैं उनका। वो बोल रहे हैं कि लोगों की राय अपनी अपनी होती है। आज भी अब अभी देखे न्यूज में देखे तो कौन क्या बोलते हैं उनकी अपनी इच्छा है। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच। तो आपने साफ तौर पे सुना उनका कहना है कि जिस तरह से जो है जो भी लोग इसमें शामिल हुए हैं उन लोगों की गिरफ्तारी अब शुरू हो चुकी है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पे जिस तरह से जेपीसी गठन को लेकर के शरद पवार ने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि अब वो क्या कुछ बोले हैं वही जाने। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।